हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ जोरिन ओएस के बारे में। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जोरिन ओएस डाउनलोड कैसे करना है। जोरिन ओएस DOW डाउनलोड, इसकी वेबसाइट पे जाइए आप। यहाँ से आप फ्री वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसलिए मैं नहीं करने वाला। तो इसको मैं बंद करता हूँ। इसका इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊँगा मैं, और ये वही वर्चुअल बॉक्स में ही डालेंगे इसको। चलिए, मैंने कभी डाला नहीं है, फर्स्ट टाइम ही डाल रहा हूँ। साथ में देखते हैं कैसा दिखता है इसका इंटरफेस। तो बनाते हैं मशीन, नहीं लिखते हैं जोरिन। चलिए, मैं यहाँ पर अदर को चूज़ करूँगा। अदर 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 64 बिट रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे। ये 512 रेकमेंड कर रहा है, लेकिन मैं इसको रखूँगा 1 GB के ऊपर। 15, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट, और पहले के तरीके, हाँ ठीक है। अब मैं इसी को सेम वही 20 GB, 21, ठीक है। क्रिएट क्रिएट हो गया। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब वही अपने को सेटिंग में जाना है और उस OS को भी इंसर्ट करना है इसके अंदर। तो इनपुटी पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे, और यहाँ मैंने OS रखा हुआ है डेस्कटॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये उठा रहा है। मैंने ओपन कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे स्टार्ट, देखते हैं क्या कहता है ये। शायद बूट हो जाएगा, देखते हैं बूट होता है कि नहीं। चलिए, ये आ गया, ठीक है। तो अगर आप कुछ देर अगर वेट करते हो 7 सेकंड, तो ये खुद से कर लेगा, या आप मैनुअली आप इंस्टॉल पे इंटर कर सकते हैं। मैं जैसा कि इंटर कर दिया, नहीं जैसा कि ये हमारा जो इन्वेस बूट हो रहा है। जैसा कि हमारा जोरिन ओएस बूट हो गया, अब हम इस इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो यार ये इसका इंटरफेस कैसा रहता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ आप ही के साथ में। मैं इसको कभी यूज़ नहीं किया है, बट फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू पे इसको हटा देते हैं। डाउनलोड अपडेट्स एंड इंस्टॉल एंड जोरिन इन सेव इन आफ्टर इंस्टॉलेशन थर्ड पार्टी। चलिए, मैं इस पर क्लिक करके रखते हैं, उसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट, जैसा कि अब मेरा आगे बढ़ गया है, तो मैं इसी को इंस्टॉल करूँगा। इट इज़ इन डिस्क एंड इंस्टॉल जोरिन ओएस। यस, मैं सीधा इसे को सिलेक्ट करूँगा। तो मैं सीधा आप कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। टू क्विट एंड डू चेंज इन इंस्टॉल एंड बिलो, ठीक है, हम चेंज करेंगे। और कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक किया, कलकत्ता, ठीक है, कंटिन्यू। तो मैं डालूँगा आशुतोष कंप्यूटर, आशुतोष कंप्यूटर, हाँ, वर्चुअल बॉक्स, निक नेम यही रहेगा, पासवर्ड, पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो। वही मैं जैसे रूट डालता हूँ, तो मैं रूट ही लिखूँगा यहाँ पर भी, रूट, और यहाँ पर भी रूट ही लिखूँगा, सॉरी। अब मैं सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा।
ये लोड हो रहा है। अब इसमें शायद टाइम लगे, काफ़ी टाइम लगने वाला है कि कैलकुलेटिंग फाइल टू स्किप इन कॉपी। तो मैं कोई भी स्टेप इसमें स्किप नहीं करने वाला, कि उस जो भी है सब इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हमारा ओएस प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, नहीं तो बाद में कुछ एरर आएगा। तो देखते हैं, तो इसको अब इसमें टाइम लगेगा, मैं वीडियोस को शायद पॉज करूंगा, यहाँ पे रोकूंगा, और जैसे ही कुछ नया स्टेप आता है मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा। सारी प्रोसेस जो थी कंप्लीट हो गई और मैं यहाँ से वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है रिस्टार्ट करना है, चलिए रिस्टार्ट करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ये मेरा नाम आ गया आशुतोष कंप्यूटर, और मैं इसे भी क्लिक करता हूँ। पासवर्ड मैंने वहाँ पर रूट डाला था, तो मैं रूट ही डालूँगा, ROOT, और साइन इन करते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसा खुलता है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई ये नया OS है कि कैसा वर्क करेगा। तो अब ये लॉग इन हो रहा है। गजब यार, मतलब इसका इंटरफेस देख रहे, एकदम प्रोफेशनल लुक। अब मैं बात करूंगा इसके फंक्शन के बारे में।